विषम संख्या, सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो सम संख्या की परिभाषा हुई कि ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत, और चिन्ह क्या है? और दूसरे नंबर पर है विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तो सम और विषम की परिभाषा होगी ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो तो सम संख्या का दो उदाहरण जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 अनंत। और इसी प्रकार से विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आई समझ में? समझ भाई ना दो बात। आ तो रही भाग गेर सम और विषम की पहचान। अब आप बड़ी संख्या है और मोटी संख्या तुरंत भाग ये कौन सका, और मोटी संख्या भाग ये टाइम लागे ना, तो सिर्फ संख्या को देखते ही आपको कैसे पहचान पड़े कि ये सम है या विषम। आप देवता हाँ कोई आप कोई या मत कोई जानकारी पड़े को, तो इधर दो नियम है, सब उपेनो नियम है सम संख्या कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी इकाई का अंक मोटी संख्या है और इकाई को एम है 0, 2, 4, 6, 8 तो वे पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, अतः वे सम संख्या कहलाती है। नहीं समझ में? भाई पूरी संख्या है, पूरी संख्या में आपका कोई देखने की जरूरत को नहीं। इकाई को, इकाई को जानो, जैसे आए दई दई सैकड़ा हजार 10,000, 12,000, 3,000, 50,000 अब सीधे बापा ने इकाई को देखो, इकाई को कहता है 0। तो आप पूरी संख्या सम संख्या, पूरी संख्या का है सम संख्या। एक नंबर पर एम इकाई को कहता है 2, तो आप पूरी संख्या का है सम संख्या। एम इकाई को कहता है 6, तो आप पूरी सम संख्या। और एम इकाई को कहता है 8, आप पूरी सम संख्या। तो सम संख्या सिर्फ देखते हैं क्या ध्यान पड़े कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो वो पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है और वह सम संख्या कहलाती है। तो देख रहे पत्ता पड़िए ना, भाग कहने की जरूरत को नहीं। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो वे पूरी भी संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है और वह सम संख्या कहलाती है। आए समझ में? और विषम संख्या देखकर पहचान, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इकाई का 1, 3, 5, 7, 9 तो वे संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होती है और वो विषम संख्या कहलाती है ना। जैसे 521 है, ये इकाई का अंक 1 है, संख्या का है विषम संख्या। 683 है, इकाई को कहीं है 3 है, तो विषम संख्या है। इकाई को 5 है, तो विषम संख्या है। इकाई को 7 है, तो विषम संख्या है। इकाई को 9 है, तो विषम संख्या है। तो ये तो परिभाषा होगी सम और विषम की। परिभाषा लिखा ना, जो सम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो सम संख्या होती है, और विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वे विषम संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अनंत तक लिख सकते हैं। और विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वे विषम संख्या है। और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
यानी अनंत तक, है समझ। हाँ, तो ये वाक पर आधारित परिभाषा, और इससे आगे सिर्फ संख्या को देखती हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये सम है या विषम। तो दो ही बातें याद रखनी कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो वो पूरी संख्या सम संख्या है, और जिस संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 तो वह पूरी संख्या विषम संख्या। तो कितनी भी मोटी संख्या वो बिंदे थी ज्यादा बार 1, 5, 6, 3, 2, 4, 8 आई सब है विषम है। क्यों है सम? हाँ, इकाई का अंक 4 है। अब आप 8 है 500 लगा दिया पूरी संख्या का अंक विषम है। अगर इकाई का अंक सम है तो पूरी संख्या सम है, और इकाई का अंक अगर विषम है तो पूरी संख्या विषम है। आई समझ में? हाँ। ये ध्यान रखना है, सब हो विषम, पूरी समझ में आई? हाँ। ठीक है।